मंकी इतने पैनिक हैं कि ये हमें बच्चों तक सटने का मौका ही नहीं दे रहा है, ये हम लोगों पे अटैक करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग इसको जब तक भगा नहीं सकते हैं तब तक बच्चे को हम लोग रिलीज नहीं कर सकते हैं। जैसे मंकी के बच्चे के पास जैसे पहुंच रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल अटैकिंग मोमेंट में आ जा रहे हैं और हमें काटने के लिए दौड़ा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त समीर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नेक सेवर YRY। दोस्तों अभी हम लोग निकले हुए हैं एक बंदर का रेस्क्यू करने के लिए। मंकी जो कि काफ़ी ज़्यादा रस्सी में फंस चुका है और ये रेस्क्यू आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि मंकी में एक बहुत ही मजबूती एक यूनिटी होती है, यूनिटी को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। इसको भगाने के कहीं वो लोग सोचेगा कि मारने के लिए, तो देखिए उन लोग तो अपना सुरक्षा देखेंगे कि उन लोग तो सोचेंगे कि मारने के लिए भगा रहे हैं। आइए सूरज आते घर के छत के ऊपर बंदर फंसा हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आप बने रहे हैं। देख सकते हैं मंकी काफी पैनिक है और सब इधर से उधर दौड़ रहा है। क्या नाम हुआ भैया यहाँ इनके जुम्मन यहाँ ओनर है उनका पांडे में एक बार सांप निकाला था। अच्छा 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 वहाँ गया था। दिखा माँ अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती है पर क्या करें, फंसा हुआ है। खाने जो हो सकता है, जो थाली कोई पुराना थाली हो या टीना हो, कुछ भी ऐसा चीज हो जो आवाज जिसमें निकाल सके। पहले इन लोग भगाना जरूरी है। चलो सुनने वाला गुस्सा मत दिला, खाए दे वाला पहले समझ गए। बी केयरफुल और अलर्ट रहना, ठीक है। ठीक है तो दिखा दें पूरे से। देखिए दोस्तों ये पूरा तरह से जो रस्सी हम लोग कपड़े जो लगाते हैं सुखाने के लिए यूज करते हैं उसी से फंस चुका है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे रिलीज करना है। लेकिन इसके बहुत सारे सदस्य देखिए यहाँ पे है, सभी लोग बैठे हुए हैं और ये इसकी माँ है। देख लीजिए ये काफ़ी अलर्ट है और एग्रेसिव है, जैसे हम लोग उसमें हाथ लगाना चाहेंगे ये लोग अलर्ट अटैक कर सकता है। तो हम लोग इसको केयरिंग होकर इसको रेस्क्यू करेंगे। खाए के सामान मांग रहे हैं ना, कुछ खाए सामान देते तो सामने कभी नहीं ऐसा मत। अरे खाओ माहौल दे दे बना काटे बड़ा एक डंबल डंड दिए थे वो एक बड़ा डंबल उल्ले होता था मैं ना हां ऊपर तो कांटा नहीं आया है। मंकी इतने पैनिक हैं कि ये हमें बच्चों तक सटने का मौका ही नहीं दे रहा है, ये हम लोगों पे अटैक करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग इसको जब तक भगा नहीं सकते हैं तब तक बच्चे को हम लोग रिलीज नहीं कर सकते हैं। जैसे मंकी के बच्चे के पास जैसे पहुंच रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल अटैकिंग मोमेंट में आ जा रहे हैं और हमें काटने के लिए दौड़ा रहे हैं। ये रेस्क्यू काफ़ी ही ज़्यादा ही डेंजर रेस्क्यू है क्योंकि इसके जो सरदार है देख सकते हैं पूछ खड़ा करके वो बाइट करने के लिए एग्रेसिव होकर के हमारे और काटने के लिए दौड़ रहा है। बच्चे की पूरी कमर जो है रस्सी से बन चुकी है और ये रस्सी जो है जो कपड़े सुखाते हैं वो कटा हुआ था उसी के माध्यम से ये बिल्कुल खेलते खेलते इसलिए पूरी तरह से फंस चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो पर।
काट काट रहे थे। कैंची रखी था क्या? कैंची। सुनो ना, उसको ऐसे काटना, कोशिश करना उसको काटने के लिए कि वो खुल जाए, नहीं तो फिर ऐसे काटोगे उसे फंसा रहेगा तो क्या? देख सकते हैं काफी रिस्की है। कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, ताकि ये जैसे ही हम इनके पास जा रहे हैं वो हमें अटैक कर रहे हैं, इसलिए पीछे भागने की कोशिश ना करे, अपने जगह पर स्टैंड रहे और देखते रहे, ताकि वो कभी भी बाइट कर सकता है। जैसे काटोगे तो ध्यान रखना कि उसको फिसट जाएगा और वो काट सकता है। दोस्तों वो इसका लीडर है जो आप देख सकते हैं, बिग साइज का जो है, और इधर भी इनके और साथी हैं, और इसकी माँ है जो काफ़ी पैनिक हो रही है अपने बच्चे के लिए, और बच्चा काफ़ी तौर से फंसा हुआ है, देख सकते हैं। अभी हम लोग इसको कटिंग करेंगे, कटर लेकर के आ रहे हैं, जो उसकी कटिंग करके उसको जो है रिलीज किया जाएगा। नहीं मिला कुछ, और उसको ज़्यादा ही पैनिक नहीं करना है, कुछ जैसे हाथ लगाओ सटेगा, ठीक है? जैसे हम बच्चों की ओर जा रहे हैं, ये फिर से रिटर्न आकर के हमारे पास बाइट करने के लिए दौड़ रहा है, अटैक करने के लिए दौड़ रहा है, देख सकते हैं। काट 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 दे, कटिंग करो ना, एक एक चम्मच ना, एक बोड़ा है, बोड़ा थोड़ा सा हमको बड़ा दे, उसको ढकना था, उसको इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है सभी मंकी और बंदर, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। तो हम उसको कर लेते हैं, सुन समझ रहे हो, रखना है वीडियो बनाना, काटा कुछ पीछे नहीं हटना है, हमें भगाना है। लेकिन इसको पकड़ो ना, इसको पकड़ो, काट सकते हैं। इसकी माँ जो है एकदम सट गई है और बिल्कुल दांत निकाल कर काटने की कोशिश कर रही है। हो गया। ये देख सकते हैं पीछे साइड थोड़ा सा जगह है जहाँ पे बंदर खड़ा होकर के अपने बच्चे को खींच करके नीचे रखा हुआ है, और उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, कोशिश कर रहा है वो खींच करके नीचे उसको ले जाए, लेकिन ले जा नहीं पा रहा क्योंकि उसको यहाँ से रस्सी बंधा हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना जल्दी हो सके इसका रस्सी कट करूँ और ये अपने माँ के पास जा कर के मिल सके। इसलिए बंदर नीचे साइड में सभी बंदर हैं, उन लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं और काटने का कोशिश कर रहा है, देख, और मुझे चारों ओर नज़र रखना पड़ रहा है क्योंकि एक जगह अगर मैं नज़र ना रखूँ तो मेरे को कोई भी मंकी अटैक कर सकता है। इसलिए रेस्क्यू पे बहुत ज़्यादा केयरफुली और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ये रेस्क्यू है। बस हो गया। जाओ। देखिए दोस्तों अभी हम लोग इसको रिलीज कर चुके हैं, ये अपनी माँ की ओर जाते हुए देख सकते हो उसकी माँ को लेकर, ताकि इसमें फंस गया था ना ये, लास्ट में इसमें फंस गया साइकिल के माध्यम से, इसलिए दिक्कत है जा रहा है। अब चलिए, काफ़ी पैनिक रहा सिचुएशन, बट बहुत आराम से रिलीज हो गया, और बंदरों में एक बहुत बड़ी एकजुटता की हिम्मत होती है इसमें, और ये देख सकते हैं एक बच्चे के वजह से, एक बच्चे के फंस जाने की वजह से ही उसको हम लोग बहुत सुरक्षित तरीके से अभी उसको कटिंग करके उसको हटा दिए रस्सी और इसको हम लोग रिलीज़ कर दिए हैं। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है स्नेक सेवर YRY, आप उस चैनल पे विजिट कीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों।